अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाखिर क्या है तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इन में जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजाज से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान बात हुई है अब ये लोग ये परेशान है ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है आखिर क्या दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है अभी फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजाद से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान दरमियाने बात हुई है अब ये लोग ये परेशान है ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर क्या है दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है अभी फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमाना जैसे से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान ने बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाकी क्या है दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इन में जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजाद से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान दरमिया बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर क्या है दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चलें हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नोमानजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नोमानजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है आखिर खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर क्या दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाकर थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान ने बात हुई है अब ये लोग ये परेशान है ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है आखिर क्या है दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है अभी फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजाद से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान है ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर क्या है दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाखिर तो क्या है दानश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाकर स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इन में जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नोमानजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाखिर खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चलें हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नोमानजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नोमानजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाकी खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाखिर तो खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर क्या दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाकर स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इन में जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजाज से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान ने बात हुई है अब ये लोग ये परेशान है ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है आखिर क्या है दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है अभी फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजाद से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान दरमियाने बात हुई है अब ये लोग ये परेशान है ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर क्या है दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इन में जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चलें हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाखिर तो क्या दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाकर स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इन में जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नोमानजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाखिर खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चलें हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नोमानजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नोमानजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाकी आखिर खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान है ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाखिर खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर क्या दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इन में जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चलें हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजाज से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान ने बात हुई है अब ये लोग ये परेशान है ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है आखिर क्या है दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है अभी फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजाद से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान दरमियाने बात हुई है अब ये लोग ये परेशान है ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर क्या है दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इन में जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चलें हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाखिर तो क्या दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाकर स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इन में जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजाद से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखिए मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान दरमिया बात हुई है अब ये लोग ये परेशान है ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर क्या दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चलें हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नोमानजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है तो आखिर खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नोमानजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदों को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाकी खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके स्टोरी बनेगी थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी फाइव इनमें जाके थोड़ी स्टोरी बनना स्टार्ट होती है फिर फोर्टी के बाद थोड़ा एक ड्रामे का हिसाब किताब चलता है क्योंकि देखें अभी जो एपिसोड होते हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये स्टार्टिंग होता है इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा एक दूसरे को मतलब आप लोग फैमिली को समझ जाते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं तो चले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड ट्वेंटी वन तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं मैंने और भी काफ़ी सारे ड्रामों का रिव्यू वगैरह किया हुआ है प्रोमो वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन द टाइम बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ये करेंगे कि देखें प्रीवियस एपिसोड का हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में दानिश तैमूर ने नमानाजा से जो बात कही थी तो आप सबको याद होगी अब इन लोगों के आपस का देखें मसला ये चल रहा है कि अब इनके दो बंदों के बीच में दरमियान में बात हुई है अब ये लोग ये परेशान हैं ये बात तीसरे बंदे को कैसे पता है तो सारा मसला ना मतलब यही चल रहा है बाकी तो खैर दानिश तैमूर काफ़ी समझदार दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर तो कुछ ना कुछ मतलब जो कंडीशन है वो हैंडल हो जाएगी तो बाकी देखें एपिसोड ट्वेंटी वन है स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े स्लो चलते हैं आगे जाके